नमस्कार, मैं हूं अंजित भूषण और आप देख रहे हैं नमस्ते भारत। आज संपूर्ण भारत लॉकडाउन में है और इसके एक माह बीतने और लोगों के काम बंद रहने के कारण गरीबों के घर में बचे पैसे और राशन दोनों ही खत्म हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में अब लोगों को सरकारी मदद की दरकार है। सरकार का दावा भी है कि हर व्यक्ति को भोजन उपलब्ध कराने का, लेकिन प्रशासनिक और राजनीतिक मेल नहीं होने के कारण गरीबों को भोजन नहीं मिल पाना यह भी देखने को मिल रहा है। हम जब लोनी क्षेत्र के वार्ड नंबर 41 के पुष्प विहार पहुँचे तो वहाँ पता चला कि आज तक सरकारी मदद वहाँ तक पहुँचा ही नहीं। वहाँ पर हमने एक मंदिर देखा जिसमें ताला लगा हुआ था और वृद्ध पंडित जी से हमने बात की तो उनके आँखें नम हो गई। उनका कहना था कि मंदिर में ताले लगे हैं, यहाँ तो इन कॉलोनी के लोगों की मदद से हमारा काम चलता था, अब इनके पास ही कुछ नहीं है तो हमें यह क्या दे सकते हैं। वहीं जनता ने भी प्रशासन से सुविधा प्रदान करने की मांग की है। हम भी प्रशासन से यही कहना चाहेंगे कि लोगों को तहसील बुलाकर भोजन देना उचित नहीं होगा, क्योंकि यदि 200 से 500 आदमी अपना भोजन लेने तहसील या पार्षद के पास जाएगा तो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन नहीं करना हो पाएगा। अतः जैसा कि हमने कई बार देखा है कि सरकार द्वारा पका हुआ भोजन कॉलोनी में गाड़ी से सुबह शाम भेजा जाता है और वितरण किया जाता है, वही सुविधा इन गरीब लोगों को प्रदान किया जाए। इस महामारी के समय इंसान को भोजन प्रदान करने में किसी प्रकार की भेदभाव ना की जाए। हमें उम्मीद है इस सुविधा को जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जाएगा। अनुरोध कर रहा हूँ सभी लोग मास्क लगा के रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ज़्यादा से ज़्यादा हम यही कहते हैं सभी से, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और लॉकडाउन के अंदर रहें। लॉकडाउन के चलते जो गरीब परिवार आज भुखमरी के कगार पर हैं, किस तरह से उनको आप के उनके राशन की व्यवस्था कर रहे हैं, किस तरह से उनकी व्यवस्था कर रहे हैं? राशन की व्यवस्था सर फिलहाल तो कुछ नहीं हो रही है, हमारे सभासद जी कुछ सुन नहीं रहे हैं और भी जो मान्यगढ़ हैं उनसे मैंने रिक्वेस्ट भी की है, तो जो भी कभी खिचड़ी आ जाएगी कभी कुछ आ गया, या ज़्यादातर लोगों को यहाँ कुछ मिल नहीं रहा है। आप इस कॉलोनी के प्रधान हैं, आपने क्या विधायक या चेयरमैन से प्रयास किए जानने के लिए? बिल्कुल सर किया। क्या डिस्कस रहा? उसमें उन्होंने यही जवाब दिया कि एक आध दिन रुको, कर रहा हूँ, तुम्हारा सिस्टम करवा दूंगा, ये करूँगा, कल आ जाना, आज आ जाना, आज दोपहर को आना, सारी कॉलोनी को यहाँ भेज दो। मैंने उनको बोला सर, कल विजय भाटी जी के पास गए थे मुकेश भाई वगैरह सब लोग, उन्होंने कहा पूरी कॉलोनी को यहाँ भेज दो और जो भी पुलिस की व्यवस्था होगी हम देख लेंगे। तो हमने फिर भी नहीं यहाँ से भेजा, सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से कि लोग इकट्ठा होंगे और दिक्कत बढ़ी। मैं सुधामा जी बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी से बूथ अध्यक्ष। आप यहाँ प्रधान भी रह चुके हैं, आपने क्या का क्या क्या काम कराया है? मंदिर से नाली, खड़ंजे, लाइट, खम्बे, ट्रांसफार्म, सभी चीज का काम करवाया है। कितने साल से आप रहे हैं यहाँ प्रधान? 5 साल रहे। अब क्या काम करा रहे हैं आप? अब इस टाइम जो है लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में मोदी जी का आदेश है कि सभी घर में रहें और लॉकडाउन का पालन करें और जो गरीब आदमी है उनकी सुरक्षा करें और उनका खाने पीने की व्यवस्था करें। लॉकडाउन के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? लॉकडाउन के विषय में ये कि मतलब बहुत ही अच्छा चल रहा है, कि सबसे ज़रूरी ये काम जरूरी था कि लॉकडाउन होना जरूरी था, क्योंकि जो लॉकडाउन नहीं होता तो पब्लिक बहुत उसमें कष्ट में चली जाती, तो इसी करके लॉकडाउन भी जरूरी था। लॉकडाउन कुछ बिहार के लोगों को ये कहा कि घर में ही रहें, अपना सुरक्षित रहें, किसी भी भाई की कोई परेशानी हो तो उसकी परेशानी भी हल करी जाएगी और उसकी परेशानी में हम लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं कि उसका जो है, और विधायक जी के वहाँ से मतलब जो आ रहा है कोई ऐसी बात नहीं, विधायक जी भी पूरा सहयोग दे रहे हैं, उनका भी रसोई चल रही है उसकी वजह से, और जो खाने पीने की व्यवस्था करी जा रही है और उससे जो है लोग बाग से उससे चल रहे हैं। लॉकडाउन के चलते कितने गरीब परिवार भुखमरी के कगार पर है, आप क्या कहना चाहेंगे? कम से कम 100 परिवार तो है ही है भुखमरी। उनकी क्या व्यवस्था आप करा पा रहे हैं? उनकी अवस्था यही है कि अभी तो खाने की व्यवस्था कराई जा रही है, अगर उन्हें सूखा राशन मिल जाए तो बहुत अच्छी बहू हो सरकार की ओर से, उन्हें कुछ मिल जाए। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बाहर के भी फंसे हुए हैं, जो गरीब परिवार हैं उनका भी थोड़ा अवस्था करवानी जरूरी है,
कि उनका जो है मतलब खाने पीने की भी वैसे भी उसका जो है मतलब बहुत परेशानी है। आप अपना नाम बताएं। सुधीर सिंह नाम है। ये कहाँ रहते हैं आप? पुष्प विहार 41 नंबर वार्ड में। अभी अभी आप कहाँ से आ रहे हैं? हमारे छठ घाट पर से मनीष ठाकुर जी 28 नंबर वार्ड में है, उनसे मांग के लाया हूँ ये खाना। जी, क्या ये रोज मिल रहा है आपको? रोज देते हैं, जाते हैं तो वो रोज लेते हैं। तो क्या आपने यहाँ के जो आपके पार्षद हैं जी, उनसे कोई बात करने की कोशिश की कि भाई यहाँ पे भोजन आना चाहिए? बहुत बार गए हैं हमारे कॉलोनी के, हम भी गए हैं, कोई कुछ नहीं मिला यहाँ से। तो इस कॉलोनी से कितने लोग जाते हैं वहाँ पे भोजन लेने के लिए? कहाँ पे? जहाँ से आप लाए हैं। जितने हमारा आदमी भूखे हैं और सकता है वो उतने आदमी जाते हैं वहाँ पे लेने के लिए। जा रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, उन लोगों को भोजन मिल रहा है क्या? मिलता है, वो देते हैं भाई जी। मेरा नाम दिनेश कुमार है। आप कहाँ रहते हैं? पुष्प विहार निवासी हूँ। यहाँ अभी तक सरकार के द्वारा, नगर पालिका के द्वारा किसी को एक रुपए की अभी तक कोई मदद नहीं मिली है। तो क्या यहाँ पर जो लोग भूखे हैं, जिनके बारे में आपको पता है वो भूखे हैं, क्या वो भोजन का प्रबंध कर पा रहे हैं या नहीं? भूखे बेचारे जो जाते हैं, कोई नगर पालिका भग रहा है, कोई कहीं भग रहा है, कोई SDM पे जा रहा है, कोई बेचारा मनीष ठाकुर बांट रहा है छठ घाट पे, तो वहाँ से ले आते हैं लोग। लेकिन हमारी कॉलोनी में अभी तक कोई ना हमारा सवाल सब पूछने आया है, ना हमारा चेयरमैन पूछने आया, ना अभिधायक का तो कोई पता ही नहीं है कहाँ है कहाँ नहीं। तो आप लोगों ने पूरी कोशिश की है नगर पालिका? लोगों ने कोशिश करी है 10 क्षेत्र, क्योंकि हमें जो मैं जानना चाह रहा हूँ, देखिए मैं जानना, क्योंकि आप जैसे सामने खड़े हैं तो जाहिर सी बात है आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इन लोगों का जो गरीब हैं, व्यक्ति विशेष की बात है, गरीब है जी। तो क्या आपने नगर पालिका में किसी व्यक्ति से संपर्क करने की कोशिश की? 10 क्षेत्र पर इन्होंने खुद कॉल की है, सुधीर जी ने 10 क्षेत्र पर खुद कॉल की है, जिसका अभी तक शायद इन्हें रिस्पांस भी नहीं मिला है। मैं इनसे पूछूंगा 10 क्षेत्र के बारे में, आप बताएं। क्योंकि मैंने 10 क्षेत्र पे इसलिए कॉल नहीं किया क्योंकि मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी। यानी आपने लोगों के हित के लिए काम किया? लोगों के हित के लिए मैंने भी कोई काम नहीं किया। मैं कहूँ मैंने कोई काम किया है, मैंने भी कोई काम नहीं कर रहा, क्योंकि आज मैं इनसे पूछूंगा प्रधान होने का फायदा क्या है। आपने 10 क्षेत्र पे कॉल किया था जी? करे थे। कब किया था आपने? अब टाइम है, डेट तो हम पढ़े लिखे नहीं है, लगभग जैसे 10 दिन हो गया, 5-7 दिन के करीब हो गया। उधर से कोई जवाब मिला? जवाब आया मेरे पास, एक बार आया जवाब वहाँ से लखनऊ से, क्या हुआ हमें कुछ नहीं हुआ। फिर कल आया तहसील में से कि आप आ जाओ 11 बजे, आज के टाइम दिए थे कि आप कॉल करे हो तो आप ही को मिलेगा। तो हम कहे कि हमको, हम पूरे कॉलोनी को 500 के दिया हूँ। अच्छा, कि हमारे 500 कॉलोनी में दिक्कत परेशानी है आदमी के, कम अच्छा, से कम अच्छा, हाँ जी, उनको सबको चाहिए, हमको नहीं। हमको बुलाए, हमको तो आज भी दे देते 2-4 पॉकेट, कहते कि तुम चले जाओ, लेकिन हमने गया नहीं, तो आप नहीं गए जी? नहीं, तो हमको सबको चाहिए। जैसा कि उन्होंने बताया कि ये आज इनको बुलाया गया तहसील में, लेकिन ये बात करने के लिए नहीं गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं अपने लिए नहीं बल्कि इनकी पूरी कॉलोनी की बात कर रहा था, जबकि ये नंबर जो दिया गया है केवल उस व्यक्ति विशेष के लिए दिया गया है कि यदि वो भूखा है तो कॉल करे। खाना आपको मिलता है? नहीं सर, अभी कुछ नहीं मिला है। आपने किसी से कहा? कहा है, बहुत लोगों से नाम लिखे जाते हैं पर कोई देखा नहीं है। खाना मिलता है आपको? नहीं जी, नहीं, कहीं से भी नहीं। आपका सभासद आता है आपके बीच में? नहीं जी, कोई नहीं आता। आप इस मोहल्ले के एक मंदिर है जिसके आप पुजारी हैं। हाँ। आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को? मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ की हालत बहुत गंदी हुई है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई जानने वाला नहीं। मंदिर में जो एक आधे भगत आते जो उनका भी आना बंद हो गया है, न यहाँ खाने को मिल रहा है, न यहाँ कुछ मिल रहा है। प्रसाद कौन कहे मंदिर दर्शन तक आप देख रहे हैं, आपके सामने ज्यादा लगा हुआ मैं, इसलिए जो है साहब हम लोगों ने कुछ प्रबंध होना, कॉलोनी वाले से जो सहयोग मिलता था वो भी देना बंद हो गया, क्योंकि इनके पास खुद ही नहीं तो हमको क्या देंगे। यदि अभी तक आपने नमस्ते भारत चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।